नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई से रिलेटेड। यूएई में भैया कुछ कानूनों में वहां की आबू धाबी की जो शासक हैं, बता दूं उन्होंने परिवर्तन किया है, राष्ट्रपति शेख बिन जायद अल नाही ने। जी हाँ साथियों, उन्होंने कुछ नए फैसलों के बारे में बताया है, कुछ नए फैसले किए गए हैं, चेंज लगभग 4 से 5 फैसले हैं। ये आपके ऊपर भी लागू होते हैं जो लोग यूएई में रहते हैं, क्योंकि ये प्रवासियों के लिए ही हितार्थ ही बनाए गए हैं। जो लोग दुबई में, बाहर के लोग दुबई में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान कहीं के भी हो, उनके ऊपर ये लागू होगा। और कहीं ना कहीं इसमें आपके हितों की रक्षा के लिए ये कानूनों में कुछ बदलाव किया गया है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसमें महिलाओं के लिए, उनकी उनकी सुरक्षा के लिए, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, आपकी शादी मैरिज से रिलेटेड, इसमें बहुत सारे कानून और भी बहुत सारे कानून में बदलाव किया गया। तो वीडियो पूरा देखिए, 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि गल्फ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पैतृक संपत्ति के नियम। जी हाँ साथियों, बहुत सारे यूएई के या बाहर के लोग वहां पे रहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन उनको देखना ही होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहां पे आपके जो हित से रिलेटेड जो कानून था वो थोड़ा जटिल था, उसको एक अच्छा कानून बना दिया गया है थोड़ा आपके हित में। इसमें आपको फायदा क्या होगा, आप देख सकते हैं, प्रवासियों की वसीयत, जायदाद, शादी, तलाक, यौन प्रार्थना जैसे सम्मान से जुड़े अपराधों में बदलाव किए हैं। पर्सनल स्टेट्स कोड, सिविल लॉ के संशोधनों में यूएई में रह रहे प्रवासियों को कानून चुनने की आजादी होगी जो उनकी पैतृक संपत्ति पर लागू होगा, ताकि विदेशी निवेशकों के वित्तीय हितों की स्थिरता दी जा सके। पैतृक संपत्ति को लेकर मृतक व्यक्ति की नागरिकता के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। समझ गए आपको, जैसे आप इंडिया के रहते हैं, वहां पे आपकी मौत हो जाती है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये नहीं कि ऐसे ही आप हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी गई, वो आपके उसके पैतृक जो वारिस है उससे रिलेटेड आ गया, ताकि उनको उसमें सहूलियत हो सके। शादी पर नियम लागू। जी हाँ, ये बहुत अच्छा नियम है। मान लीजिए शादी पर एक नियम लागू होगा। अब एक पहले क्या होता था, जैसे आप इंडियन है, आपने किसी पाकिस्तानी से शादी कर ली, किसी श्रीलंकाई से शादी कर ली, आप वहां पे शादी कर ली, अच्छी बात है। लेकिन अब आप क्या होगा, आप मान लीजिए आप श्रीलंका में शादी की, आपने इंडिया में की, आप यूएई में रह रहे हैं, अब आपको अलग अलग होना, आपको तलाक लेना है, तो नियम कहाँ का लागू होगा भाई? आप वो लड़की बोलेगी तलाक श्रीलंका में हमारे ऐसे होता है, हम बोलेंगे इंडिया में, आप बोल सकते हो हमारे तलाक में ये फार्मूला होता है। लेकिन नहीं, यूएई सरकार ने साफ घोषणा कर दी है कि भाई अगर आप इस मैटर में तलाक लेते हैं, आपके तलाक में जो नियम है आपके देश के कानून नहीं चलेंगे, जहां पे आपकी शादी हुई है उसी देश का कानून डिवोर्स में आपका तलाक में चलेगा। जी हाँ, मान लीजिए आप इंडिया में शादी करके आप यूएई में जा रहे हैं, अलग अलग देशों के हैं या वहीं के हैं, कहीं के भी हो, लेकिन शादी आपने यहाँ की है, तो नियम आपका इंडिया के नियम के हिसाब से आपका आपका जो तलाक का जो फार्मूला है, जो मुद्दा है, वो चलेगा, उसी के हिसाब से आपका जो केस है वो निपटेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, आप जिस देश में शादी की है उसी देश का नियम लागू होगा इसमें। ओनर किलिंग की सजा। जी हाँ साथियों, आपको पता है भाई ओनर किलिंग क्या होता है? ओनर किलिंग मान लीजिए हमें हमारे सम्मान के लिए हम किसी सामने वाले को, अपने परिवार वाले को, 2-3-4 जनों को हम मार देते हैं, ओनर किलिंग एक तरीके से अपराध होता है। उसमें सम्मान का ऑप्शन दिया गया था, पहले जो आर्टिकल राष्ट्रपति का जो फैसला था उसमें बदलाव किया गया। पहले होता था कि मान लीजिए आप सम्मान के, अपने सम्मान के लिए उनकी हत्या कर देते तो इतने बड़े चार्जेस नहीं लगते थे आपके, कि भाई ठीक है आपकी आपके सम्मान को, आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई इसलिए आपने उन्होंने मार दिया, तो कोर्ट की तरफ से आपको रिलीफ मिल जाता था। लेकिन अभी उस आर्टिकल को वापस ले लिया गया। जी हाँ, वो केस उसी तरीके से चलेगा, सेम जैसे हत्या, मर्डर वगैरह नॉर्मल केस चलते हैं उसी तरीके से वो केस चलेगा, उसमें सम्मान का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। इसके तहत महिलाओं के अधिकार को अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाएगा, इस अधिकार के माध्यम से मिलेगी मौत की सजा। जी हाँ साथियों, अभी आपको देखना होता है भाई, आप यूएई में रह रहे हैं सीधी सी, हालांकि नियम तो सब जगह एक चीज से ही है, ये एक अपराध बलात्कार की तरह रेप की हम बात करेंगे। मान लीजिए आप यूएई में रह रहे हैं, 14 साल से नीचे अगर आप किसी बच्ची के साथ, लड़की के साथ कोई भी अगर रेप करता है, तो सीधा सीधा उसको फांसी का ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये उम्र कैद वगैरह कोई सिस्टम बंद कर दिया गया है। उस लीजिए आप ऐसी कुछ घटना हो जाती है, जैसे वो मानसिक, आप किसी के साथ संबंध बना लेते हैं जबरदस्ती तरीके से कैसे भी, जैसे वो मानसिक विक्षिप्त है, पागल है, या आप उनके अभिभावक हैं, आपके परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ आप जबरदस्ती कर लेते हैं, तुरंत शारीरिक संबंध बनाने पे सीधी मौत की सजा दी जाएगी। जी हाँ साथियों, ये फार्मूला मौत की सजा सिर्फ 14 साल तक के नीचे तक आप अगर इस
किसी बच्ची के साथ लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत करते हो तो ये ऑप्शन है, उससे ऊपर में फिर नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट चलेगा, जो भी केस का फार्मूला व्यूए को होता है उसके हिसाब से चलेगा। बस ये साथियों चार टॉपिक पे आपको बताना था कि भाई व्यूए में काफी सारे इंडियन लोग पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो आपके लिए भी ये खासतौर से बनाए गए कानून है, तो हो सकता है ये भविष्य में आपके इन कानूनों से वास्ता पड़े, तो इन चीजों से बचें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।